Hello, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today we will start 6th lesson of standard 5th. Stone Age, Stone Tools. Means Stone Age जो था वो time पे किस तरह से वो लोग stone tools बनाते थे. Tools मतलब क्या होते हैं? हथियार होते हैं. जैसे different types के यहाँ पर हमें tools दिए गए हैं. Chopper है इसमें, scraper है. ठीक है. So 6.1 में हम लोग क्या देखेंगे? Types एंड द फॉर्म ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क. तो जिस कौन सा काम करने के लिए कौन से टाइप के टूल्स यूज करते थे वो हम इस पार्ट में देखेंगे. सो हियर वी हैव, इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बर्निंग इन द ग्राउंड व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट? परहैप्स वी वुड स्क्रैप इट आउट विथ अवर फिंगर्स. तो हम लोग क्या करेंगे? अपने हाथ से उसको ऐसे खदेड़ के निकाल सकते हैं. इफ दैट डिड नॉट वर्क, अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विथ अ ट्विग और स्टिक. अगर वो हमारे हाथ से हम नहीं निकाल पाए तो हम क्या करेंगे? किसी लकड़ी से हम उसे, लकड़ी से या छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है उससे हम उससे डिग करेंगे, मतलब खदेड़ने लगेंगे, खड्डा निकालने लगेंगे वहां पर. If that too did not work, अगर वैसा भी करने के बाद वो नहीं निकला, जो शाइनी ऑब्जेक्ट है वो नहीं निकला, तो फिर क्या करेंगे? We would have to look for a pointed stone. फिर हमें एक pointed stone लेना पड़ेगा, पत्थर लेना पड़ेगा पॉइंट वाला, और फिर उससे निकालना पड़ेगा. That should do the job, but if it still doesn't, then we would have to get an iron rod to dig that shining object out. लेकिन अगर हमने किसी स्टोन से, पॉइंटेड स्टोन से ट्राई किया और फिर भी नहीं हुआ, तो फिर क्या लेना पड़ेगा? एट द एंड वी हैव टू टेक अ रॉड, एक आयरन का, लोखंड का एक रॉड लेके हमें उसे निकालना होगा. दिस शोज दैट वी नीड टू चूज द टूल्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क. इसका मतलब है कि जिस तरह का काम करना है वो कितना डिफिकल्ट है, मतलब कितने अंदर तक था. जैसे हम हाथ से निकालने गए तो नहीं निकल पाया है, लकड़ी से भी नहीं निकला, स्टोन से भी नहीं निकला है. एट द एंड वी हैव टू यूज द आयरन रॉड, मतलब कौन सा काम करने के लिए, अगर छोटा सा कुछ चीज गिरा हुआ है तो हम लकड़ी से या हाथ से उसे खदेड़ के निकाल देंगे, लेकिन अगर डीप है तो नहीं निकाल पाते हैं. सो मतलब हमें उस तरह का एक हथियार वहां पे यूज करना होगा, अकॉर्डिंग टू द जो डिमांड है उस तरह से हम वहां पर यूज कर सकते हैं जो हथियार लगेगा वो. नाउ फॉलोइंग फोर फैक्टर्स डिटरमाइन अवर चॉइस ऑफ टूल्स. तो अभी हमारे चॉइस ऑफ टूल्स कैसे हो सकते हैं, मतलब कौन सा टूल कब लेना है. सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कुछ काटना है तो मम्मी तो यूज करेगी नाइफ, चाकू जो होता है उसे यूज करेगी वहां पर. सीजर से तो नहीं काट सकते, कैंची से कटिंग नहीं करेंगे हम, तो वहां पर हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे. और समझ लो जो लहसुन होते हैं, गार्लिक, उसे हमें क्रश करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो पैसल होता है पैसल का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम ठोके, मतलब उसे क्रश कर सकते हैं. तो जो चीज जिससे कर सकते हैं काम, जिससे वो वर्कआउट हो सकता है, वही हम वहां पर यूज करेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. सेकेंड है मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कितना टाइम लगेगा, कितना एनर्जी लग सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम एफिशिएंसी. देन स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस. और जो टूल होता है वो किस तरह से उसे यूज किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए. सो एप्स लाइक द चिंपैंजीज ऑल्सो यूज स्टोन टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स. तो जो चिंपैंजीज होते हैं, जो बंदर के जैसे दिखने वाले, हमने यहाँ पे लेसन में देखा था. वन सेकेंड आई विल शो यू दैट. यहाँ पर भी आप देखोगे जो ह्यूमन के जैसे दिखने वाले हैं, ये एप्स है. तो ऐसे जो चिंपैंजीज होते हैं एप के जैसे चल सकते हैं, दो पैरों के ऊपर वो चल सकते हैं. तो ऐसे जो चिंपैंजीज है वो क्या यूज करते हैं? दे यूज स्टोन. स्टोन क्यों यूज करते हैं? जो वो सीड्स खाते हैं झाड़ से, डायरेक्ट वो सीड्स और नट्स निकाल के जो खाते हैं, तो उसे ब्रेक करने के लिए देखो वो स्टोन का इस्तेमाल करते हैं. एंड दे यूज स्टिक्स टू स्टीर द एंड्स
आउट फ्रॉम एंट हिल्स टू कैच देम। और उन्हें भी इतना अच्छा दिमाग है कि जो एंट का हील होता है, आपने देखा होगा एंट हील ऐसे ऐसे होते हैं, तो उसके अंदर एंट्स को बाहर निकालने के लिए वो क्या करता है, लकड़ी से घुमाता है, स्टीर करता है, जैसे हम शरबत बनाते हुए चम्मच से घोलते हैं ना, तो ऐसे वो क्या करता है एंट हिल्स में बाहर निकलने के लिए वो वहां पर लकड़ी से अंदर हिलाता है। एंड ह्यूमंस टू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टूल्स सच एज बोन्स स्टोन्स ड्राई ट्विग्स। ड्राई ट्विग मतलब जो लकड़ियां होती है ना, जो झाड़ होता है उसके छोटे छोटे ब्रांचेस जो होते हैं उसे ट्विग कहते हैं, पतले पतले होते हैं जो, एंड द स्टिक्स एज टूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करके रख दो। जो जो वर्ड्स मैं देती हूँ आप लोगों को अंडरलाइन करने के लिए, विदाउट फेल से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये आते हैं। विथ कंटिन्यूअस एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, मतलब बार बार हर चीज को किस तरह से किया जाता है ध्यान देके देखने के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देयर इनबॉर्न इमेजिनेशन, अ ह्यूमन लर्न दैट दे कूड शार्पन रॉड्स बोन्स स्टिक्स एंड स्टोन्स इन टू टूल्स टू कैरी आउट देयर टास्क मोर एफिशियंटली। मतलब मैन ने बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसे ऐसे पता चला कि हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, पॉइंटेड बना सकते हैं, ठीक है, अपना काम अच्छे से होने के लिए, इजीली होने के लिए क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को पॉइंटेड बना सकते हैं, ये मैन ने अब सीख लिया है। इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिल्स। तो स्टोन टूल्स जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, वर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिल्स। तो उनका रिमेन्स जो है रिमेन्स मतलब क्या होता है, जो चीजें अभी भी मौजूद है। वी कैन से दैट ही मेड देम बिकॉज दे वर फाउंड नियर हीज रिमेन्स, बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। तो सिर्फ उसने क्या स्टोन टूल्स ही बनाए थे, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स एज वेल। और उसने जो स्टोन टूल्स थे वो जो टूल्स बनाए हैं, टूल्स मतलब क्या है, सिर्फ हथियार जो बनाए हैं वो दूसरे मटेरियल से भी बनाए हुए थे। हाउएवर ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ओनली द स्टोन टूल्स कैन बी फाउंड टूडे। टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स आर रेयरली फाउंड, मतलब जो अर्ली मैन ने स्टोन बनाए थे टूल्स, उसमें से स्टोन टूल जो है वो ही हमें अभी भी मिलता है, देख सकते हैं हम, और जो टूल्स उसने बनाए थे दूसरे वो रेयरली मतलब वो ज्यादातर दिखाई नहीं देते हैं, बट मतलब वो अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। बट सिंस ट्विग्स एंड स्टिक्स डीकम्पोज इजीली वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम। और जो ट्विग होता है, लकड़ियां होती है, स्टिक्स होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं ना वो, उनका फर्टिलाइजर बन जाता है, मतलब वो मट्टी में मर्ज हो जाते हैं, मट्टी के साथ मिलकर वो भी मट्टी बन जाते हैं, इसीलिए इतने सालों के बाद थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के आफ्टर तो अभी वो हमें मिलेंगे भी नहीं, हम देख भी नहीं सकते हैं उन्हें। हियर वी हैव सम काइंड्स ऑफ टूल्स, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन एंड बोन्स। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ में अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल। पेबल्स मतलब क्या होता है, स्मॉल स्टोन होते हैं, उससे क्या बनाया गया है, चॉपर। देन सेकंड देखो, सेकंड क्या है, स्क्रैपर है, स्क्रैपिंग करने के लिए। देन थर्ड अ सर्क्यूलर हैमर स्टोन, हैमर ठोकने के लिए हथौड़े टाइप। फोर्थ देखो यहाँ पर अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लैक ऑफ स्टोन, तो स्टोन के जो टुकड़े होते हैं उससे बनाया गया है। देन फिफ्थ वाला देखोगे अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन, ये किससे बनाया हुआ है, हड्डी से बनाया हुआ है। और अगर सिक्स्थ वाला देखोगे एन एंटलर यूज एज अ पिक, तो ये एंटलर है, जैसे आपने देखा है ना एनिमल्स के सींग होते हैं, कैसे सींग होते हैं उनको, ये तो एलिफेंट है, एलिफेंट का तो इसे हम क्या कहते हैं, ये टास्क होते हैं, लेकिन ये
जो दूसरे एनिमल्स होते हैं लाइक अ काउ एंड बफेलोज, देन उसके बाद आप डियर देखोगे तो उसको क्या होते हैं एंटलर्स होते हैं ना ऊपर कान के ऊपर, तो वहां पर ये देखो यहाँ पर दिए गए हैं एंटलर्स है ये, लेकिन ये एक ही है, इसको बड़े बड़े जो होते हैं उसे एंटलर्स कहते हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या दिया है, स्टोन एज टूल्स, द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड स्टोन एज, तो इसे भी आप अंडरलाइन करके रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इन टू थ्री पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड द टाइप ऑफ द टूल्स फाउंड, तो टाइप ऑफ टूल्स फाउंड जिस तरह के टूल्स मिलते हैं शेप कैसा है इसके ऊपर स्टोन एज को क्या किया है डिवाइड किया गया है, तो थ्री पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है, सो यू ऑल्सो अंडरलाइन दिस वर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पॉइंट दिए है, ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिस मीन्स स्टोन, मतलब पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है फिर ओल्ड स्टोन, जूने स्टोन एकदम ओल्ड पहले के बहुत पुराने। सेकेंड क्या है मिडल स्टोन एज और मैसोलिथिक एज, मैसो मीन्स मिडल, तो मिडल स्टोन, स्टोन का मतलब तो यहाँ पे लिथिक है तो इसके लिए फिर से आप लोगों को लिथिक का नहीं दिया है तो मिडल स्टोन आ गया इसका मतलब। और थर्ड क्या है न्यू स्टोन एज और न्योलिथिक एज, न्यू मीन्स न्यू तो न्यू स्टोन, ठीक है इस तरह से इसका मतलब है, सो जस्ट अंडरलाइन दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तो आ सकता है, ऑल्सो दिस कुड बी कम फॉर मैच द पेयर, और आप लोगों को ये आंसर कंप्लीट करने के लिए भी आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टोन एज टूल, स्टोन एज टूल है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं है, ये जो स्टोन दिए हैं डिफरेंट टाइप्स के मेड स्टोन मेड टूल्स मेड किए हुए हैं ये फिगर के साथ में मैच करने के लिए भी आ सकते हैं। तो मैं जब इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी वर्कबुक से तो उस टाइम पर आप देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक एज होमो हैबिल्स एंड होमो इरेक्टस हु बिलोंग टू द ओल्ड स्टोन एज बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग द पर्सुशन टेक्निक, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स बीटिंग और स्ट्राइकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लैंक्स, मतलब उसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर वो घसते थे। देन यहाँ पर आप देख सकते हो देखो कैसे लकड़ी एक दूसरे के ऊपर घसा जा रहा है। द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वर क्रूड, ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैड अ शार्प एज, मतलब उसका एक साइड क्या है शार्प, जैसे अपनी छुरी कैसी होती है ऐसे किया जाता है। सच टूल्स आर नोन एज चॉपर, तो चॉपर कौन सा है व्हाट इज कॉल्ड एज चॉपर, सो दस ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स में हैड अ शार्प एज, सच टूल्स आर नोन एज चॉपर्स, ऐसे आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो प्लीज अंडरलाइन दिस वन ऑल्सो, दे कुड ओनली बी यूज फॉर ब्रेकिंग नट्स और बोन्स, तो वॉट इज द यूज ऑफ चॉपर दैट इज ब्रेकिंग नट्स एंड बोन्स। द टूल्स मेड बाय होमो हैबिल्स वर ऑफ दिस काइंड, तो इस तरह से होमो हैबिल्स क्या करते थे टूल्स अपने बनाते थे। दे इंडिकेट्स द दैट होमो हैबिल्स हैड नॉट येट लर्न टू हंट, वो सिर्फ शिकार करना नहीं सीखे है। द फ्लैस्क ऑफ स्टोन वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हाइल शेपिंग हिज टूल्स, तो क्या कर रहे हैं जो फ्लैक्स होते हैं उसे भी वो बना रहे हैं। एंड ही यूज द फ्लैक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड, तो यहाँ पर दिया गया होगा ये देखो यहाँ पर दिया गया है बिगर फ्लैक्स है ना, तो इसे क्या करते हैं वो ऐसे अंदर डाल डाल कर उसे जैसे हम किसी भी चीज का ऊपर का चमड़ी निकालते हैं हाँ, तो इस तरह से वो निकालने के लिए यूज करते थे। ही यूज द फ्लैक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट
फ्रॉम हाइड, मतलब जो हाइड मीन्स क्या है, जो कोई भी एनिमल होता है, एनिमल के ऊपर की जो स्किन है ना, उसे अलग करने के लिए, उसे अलग करने के लिए वो क्या यूज करते थे, फ्लेक्स को यूज करते थे। तो मतलब वो उससे इजीली सेपरेट कर सकते, मतलब बॉडी जो है अंदर और उसके ऊपर की स्किन जो है वो पूरी अलग निकाल सकते हैं। फॉर चॉपिंग मीट एंड अदर फूड स्टफ्स ही शार्पनिंग वुड स्टिक एक्सेट्रा, तो वो इसके लिए फिर वुड जो लकड़ी होती है उसके स्टिक जो है बड़े बड़े उसे भी शार्प करते थे, मतलब पॉइंटेड करते थे। टूल्स लाइक द हैंड एक्स एंड क्लीवर मेड बाय होमो इरेक्टस आर मोर प्रोपोर्शनेट एंड सिस्टमेटिकल देन द चॉपर्स मेड बाय होमो हैबिट्स। अ प्रोपोर्शनेट एंड सिस्टमेटिकल टूल्स हैज टू बी मेंटली विजुअलाइज फर्स्ट, मतलब वो क्या करते थे, पहले अपने दिमाग से सोचते थे, उसे अपने आंखों के सामने प्रिपेयर करते थे कि मुझे किस तरह से इसे बनाना है, और बाद में ओनली देन इट इज पॉसिबल टू मेक इट, और फिर वो उस तरह से उसे बना सकते थे। होमो इरेक्टस कुड मेंटली विजुअलाइज हिज टूल्स इवन बिफोर ही एक्चुअली शेप देम, तो उसे शेप देने के पहले वो अपने दिमाग में सोचते थे, जैसे आपको ड्रॉइंग करना है तो पहले आप एक ड्रॉइंग को अपने मन में बना लेते हो और फिर उसी तरह से हम बनाते हैं, तो ऐसे ही ये टूल्स भी बनाते थे। टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स ही यूज थिंग्स लाइक एंटलर्स एज हैमर, और वो क्या करते थे, फिर एंटलर्स जो होते हैं उसे हैमर की तरह यूज करते थे, मतलब हथौड़ी के जैसे यूज करते थे, हैमर मीन्स हथौड़ी। ही फर्दर शार्पन द एजेस ऑफ दोज फ्लेक्स बाय स्क्रैपिंग ऑफ स्मॉलर पीसेस टू मेक स्क्रैपर्स विथ वेरी शार्प एजेस, तो उसके शार्प एजेस से वो क्या कर सकते थे, वो फ्लेक्स को शार्प कर सकते थे। इट मीन्स दैट होमो इरेक्टस वॉज यूजिंग डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क, मतलब जिस तरह से उन्हें काम करना है वो उस तरह के अलग अलग अब क्या बनाने लगे है, टूल्स बनाने लगे है। वो उसे क्या करते हैं, पहले विजुअलाइज करते हैं और फिर सिस्टमेटिकली उसे कैसे बनाना है ये देख कर उसे वो प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। नाउ हियर यू कुड सी रिमूविंग माइन्यूट फ्लेक्स फ्रॉम बिगर फ्लास्क, मतलब वो उसमें से छोटा सा ऐसे फ्लास्क निकाल रहे है। देन अ स्टोन हैमर, और हैमर है देखो हथौड़े के जैसे पकड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पर देन दिया है एन एंटलर यूज्ड एज अ हैमर, जो एंटलर है उसे हैमर के जैसे मतलब ठोकने के लिए यूज कर रहे है। रिमूविंग माइन्यूट फ्लेक्स फ्रॉम स्मॉलर फ्लेक्स, मतलब उसमें से बड़े में से छोटा सा उसे अलग से निकाल रहे हैं वो। देन चॉपर, ये चॉपर देखो आप देखोगे पॉइंटेड पार्ट है आगे। देन अ हैंड एक्स, ये हैंड एक्स है, एक्स की यूज करते हैं, जैसे एक्स आप लोगों ने देखा होगा कैसे होता है, उसका शेप ऐसे होता है ना, यहाँ पे बांधा हुआ रहता है, ये पूरा आयरन से बनता है और फिर उससे झाड़ काटते है, तो ऐसे टाइप के वो यहाँ पर हैंड एक्स हाथ से यूज करने के लिए बनाया हुआ है। तो बच्चों मैं यहीं पर लेसन स्टॉप कर रही हूँ, पेज नंबर 27, 28 और 29 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, प्लस आप लोगों को मैं सारे आंसर्स भी दे दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और आपकी स्टडी भी अच्छे लेवल से आगे बढ़ते रहेगी। तो जैसे मैंने लेसन रीड करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ये लेसन अच्छे से फिर से रीड करो, क्योंकि जितना रीडिंग आप लोग करोगे उतना आप लोगों को आंसर्स पता चलेंगे, एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरलाइन दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।